देर इज़ ए रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि जो लास्ट फ्राइडे को एक असाइनमेंट अपलोड की गई थी बच्चों के लिए, तो वो जिन स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाई है दे आर फाइन। और जो बच्चों ने अभी तक नहीं करवाई मेक श्योर कि वो भी सबमिट करवा दें। एंड मोर, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे असाइनमेंट सबमिट करवाई है, प्लीज व्हाट्सएप पे असाइनमेंट सबमिट ना करवाएं, आपको जो मेल आईडी दिया गया है उस पे सबमिट करवाएं। और सब्जेक्ट आपने लिखना है असाइनमेंट, आगे टॉपिक लिखें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होता है इन बॉक्स में, सो सर्च करना आसान हो जाता है। हम जो ही सर्च बॉक्स में लिखेंगे असाइनमेंट या टॉपिक लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो वो सारे स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप एक तो मेल करें और दूसरा सब्जेक्ट लिखें असाइनमेंट, आगे टॉपिक लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो एज सून एज पॉसिबल बॉयज एंड गर्ल्स ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, ताकि उसको हम मार्क करके तो वो हम एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको फिर शेयर कर सकें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है जी कंट्रोल अकाउंट्स। हियर आर सेल्स लेजर्स कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर्स कंट्रोल अकाउंट। तो प्रीवियस टॉपिक से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लेना है। तो कंट्रोल अकाउंट्स क्या है जी, ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है कि टोटल्स फ्रॉम द डे बुक्स, टोटल्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर ट्रांसफर टू कंट्रोल अकाउंट्स। जैसे सेल्स डे बुक के टोटल्स आगे डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे, परचेज डे बुक्स उसके टोटल जो है वो क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। तो ये जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं दीज आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक्स। ये क्यों इतना हाईलाइट किया गया कि दीज आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक्स, क्योंकि इससे पहले जो हमने डे बुक्स एंड लेजर्स सीखे हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक्स। व्हेन दे आर नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक्स इट मींस के उनके जो बैलेंसेस हैं, जो वैल्यूज हैं, दे आर नॉट ट्रांसफर टू एस सच ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। सो कंट्रोल अकाउंट्स की वैल्यूज को हमने आगे लेके जाना होता है। आगे आप देख भी सकते हैं द बैलेंस शीट इज फ्रॉम द कंट्रोल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस एंड देन टू फाइनल अकाउंट्स एंड सो ऑन। तो बैलेंस शीट इज फ्रॉम द कंट्रोल अकाउंट्स। जैसे डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस शीट होगा दैट विल बी करंट एसेट रिसीवेबल्स में चला जाएगा, और जो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस शीट होगा दैट विल बी अ करंट लायबिलिटी फॉर आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। देन कंट्रोल अकाउंट्स आर फ्रॉम जनरल लेजर्स। इससे पहले आपने सीखा हुआ है कि लेजर्स की थ्री टाइप्स हैं, सेल्स लेजर्स, परचेज लेजर्स एंड जनरल लेजर्स। तो ये जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं दीज आर फ्रॉम द जनरल लेजर्स ग्रुप। सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स लेजर्स कंट्रोल अकाउंट या डेटर्स लेजर्स कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल का वर्ड लाजमी आ रहा होगा, पहले कुछ भी हो सकते हैं, सेल्स लेजर्स कंट्रोल अकाउंट या डेटर्स लेजर्स कंट्रोल अकाउंट या रिसीवेबल्स लेजर्स कंट्रोल अकाउंट, सबका एक ही मीनिंग है। सो बाय डेफिनेशन जो रिसीवेबल्स या डेटर्स हैं ये करंट एसेट्स होते हैं, दैट्स वाई इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे भी लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे किस सिचुएशन में आएगा, इफ देयर इज एनी एडवांस रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम एनी कस्टमर। अगर किसी कस्टमर से हमने एडवांस लिया हुआ है सो दैट विल बी आवर लाइबिलिटी, तो वो अमाउंट जो है ओपनिंग डेट पे इफ देयर इज एनी एडवांस रिसीव्ड अमाउंट तो वो क्रेडिट साइड पे हम लिख रहे होंगे। देन सेल्स ब्रैकेट में आप देख सकते हैं दिस इज टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक, एस डी बी दिस इज सेल्स डे बुक। और सेल्स डे बुक में हमने क्या सीखा था इससे पहले के डिस्कशन में कि वी डू रिकॉर्ड हेयर क्रेडिट सेल्स ऑफ स्टॉक। तो जो क्रेडिट सेल्स का टोटल है
उसकी अमाउंट डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि क्रेडिट सेल्स के साथ हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं। इफ देयर आर सेल्स रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न्स डे बुक का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि जब सेल्स रिटर्न्स होती हैं तो हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हो रहे होते हैं। अब ये जो हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, हर एक के बैक स्क्रीन एक डबल एंट्री मौजूद है, तो यहाँ पे डबल एंट्री को हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है, इसको डायरेक्ट लेजर की अप्रोच भी कहते हैं। वो डबल एंट्री कंप्लीट यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, वैसे हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम डेटर्स को डेबिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, और यहाँ पे जब हम डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं विद सेल्स रिटर्न्स, तो इसकी डबल एंट्री आज भी वैसे ही है कि सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट साइड पे आ गए। उसके बाद इफ वी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, तो जो रिसीविंग्स हैं वो जाहिर है बैंक में डेबिट हुई, तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये बैंक आर रिसीव्स। और कस्टमर्स को जो हमने डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट अलाउड, तो इसकी भी डबल एंट्री हमें आती है, अगर डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड पे आ गया। इसी तरह से इररिकवरेबल डेट्स आर बैड डेट्स, कि अगर कोई हमारा कस्टमर बैंकक्रप्ट हो जाता है या हमसे फ्रॉड कर देता है तो हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाते हैं, और रिसीवेबल्स डिक्रीज हों तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन कॉन्ट्रा आर सेट ऑफ, कॉन्ट्रा आर सेट ऑफ क्या होता है कि इफ देयर इज अ कस्टमर हु इज ऑल्सो अवर सप्लायर, मीन्स के एक कस्टमर है जिससे जिसको हम अपना माल सेल करते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसे हम परचेजिंग भी करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, तो जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो हमारा रिसीवेबल है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम उससे स्टॉक बाय कर रहे हैं तो वो हमारा पेएबल है। तो रिसीवेबल और पेएबल आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो ये है जी कॉन्ट्रा आर सेट ऑफ। इसकी डबल एंट्री क्या होगी कि क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, मीन्स कि जब हम कैंसिल करेंगे अपना रिसीवेबल एंड पेएबल, तो ऑब्वियसली रिसीवेबल जो है वो तो डिक्रीज हो रहा होगा, इवन हम कैंसिलेशन कर रहे हैं, और रिसीवेबल जब डिक्रीज होना है तो इसने क्रेडिट साइड पे आना। इसके बाद डेबिट साइड पे आ जाएं तो हियर आर डिसऑनर्ड चेक्स। डिसऑनर्ड चेक्स ये क्या होते हैं कि हमें एक चेक मिला फ्रॉम द कस्टमर, तो ड्यू टू सम रीजन वो चेक बाउंस हो गया, उसका कैश हमें रिसीव नहीं हुआ, तो उस चेक रिसीविंग को हमने कैंसिल करना होता है। तो आप सोच लें कि जब हमें चेक मिला तो हमने कैसे रिकॉर्डिंग की, बैंक डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और वही चेक अगर बाउंस हो जाए तो हमने फिर से क्या करना है, डेटर्स को फिर से डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है, मीन्स के डिसऑनर्ड चेक जो है वो रिसीवेबल्स या डेटर्स में डेबिट साइड पर आ जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू डेट्स, कि वो हमारे कस्टमर्स जो हमारी पेमेंट लेट कर दें उसको हम पेनल्टी या फाइन चार्ज करते हैं, तो वो फाइन और पेनल्टी जब हम चार्ज करेंगे तो हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे, और रिसीवेबल्स इंक्रीज हों तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू डेट्स विल बी ऑन डेबिट साइड। फिर है जी रिफंड ऑफ एडवांस रिसीट्स, कि वो कस्टमर जिससे हमने एडवांस लिया था ड्यू टू सम रीज़न उसको हम सप्लाई नहीं दे सके, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो वो जो एडवांस रिसीव्ड अमाउंट थी वो हम उसको रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। तो आप सोचें कि जब हमने एडवांस लिया तो उसकी डबल एंट्री क्या हुई, बैंक डेबिट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। आज अगर वही एडवांस रिसीव्ड अमाउंट हम रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा होगा एज वी आर पेइंग बैक टू दोज कस्टमर्स। तो एट द एंड जैसे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे था एडवांस रिसीव्ड अमाउंट, अगर क्लोजिंग डेट पे कोई एडवांस रिसीव्ड अमाउंट है फ्रॉम एनी कस्टमर तो वो अमाउंट डेबिट साइड पे एज ए क्लोजिंग बैलेंस शो हो रही होगी, मीन्स के वो क्लोजिंग बैलेंस पे डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि दैट विल बी अ लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो दीज आर द मैक्सिमम एंट्रीज जो एक डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ सकती हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है कि डेबिट साइड पे कौन कौन से बैलेंसेज हैं, कौन कौन सी एंट्रीज हैं, और क्रेडिट साइड पे कौन कौन से हैं। इसको रिटर्न प्रैक्टिस करके आपने ये
फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। आगे चलते हैं जी, हियर इज परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसी को पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। तो क्रेडिटर्स आर पेएबल्स बाय डेफिनेशन, दिस इज अ लायबिलिटी कि हमने किसी के पैसे देने हैं, तो क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन डेबिट साइड, जो नॉर्मल पेएबल है रूटीन में। लेकिन हम देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे भी लिखा हुआ है, ये किस सिचुएशन में पॉसिबल है? इफ वी हैव पेड एडवांस टू एनी सप्लायर, अगर मैंने किसी सप्लायर को एडवांस पे किया हुआ है तो वो जो एडवांस पेड अमाउंट है मेरा एसेट कंसीडर होगा, मेरे लिए वो एसेट है एडवांस पेड अमाउंट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। और अगर क्लोजिंग डेट पे कोई एडवांस पेड अमाउंट हो तो वो फिर क्रेडिट साइड पे हो रहा होगा, क्योंकि एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। देन क्रेडिट साइड पे आ जाएं, हियर आर परचेजेस, और ये जो परचेजेस हैं कि ये बेसिकली परचेजेस कैसे आई, टोटल ऑफ परचेज डे बुक, टोटल ऑफ परचेज डे बुक तो परचेज डे बुक क्या है, जहां पे हम क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, और उस परचेज डे बुक का टोटल का मतलब क्या है, टोटल क्रेडिट परचेजेस ऑफ द मंथ। तो टोटल क्रेडिट परचेजेस की डबल एंट्री आप सोचें कि परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाना है, तो क्रेडिट परचेजेस का टोटल विल बी ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस के साथ हमारी लायबिलिटी पेएबल इंक्रीज होता है, सो दिस इज ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद जो परचेज रिटर्न्स हुई, हमने परचेज रिटर्न्स की टू द सप्लायर्स, तो ये हमने रिकॉर्ड की होंगी डेफिनेटली परचेज रिटर्न्स डे बुक में, तो उसका जो टोटल होगा परचेज रिटर्न्स का दैट विल बी ऑन डेबिट साइड, क्योंकि परचेज रिटर्न्स के साथ हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है, और लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दो बड़ी बेसिक एंट्रीज हैं, परचेजेस क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट परचेजेस का टोटल, और परचेज रिटर्न्स डेबिट साइड पे। उसके बाद हैं जी पेमेंट्स, जो हमने ड्यूरिंग द मंथ पेमेंट्स की टू द सप्लायर्स, तो व्हेन वी मेक पेमेंट्स टू द सप्लायर्स, तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है, ये पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं वो डेबिट साइड पे आ रही होंगी। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड की जो डबल एंट्री है वो भी पेएबल्स डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। कॉन्ट्रा आर सेट ऑफ, हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि इफ देयर इज अ कस्टमर हु इज आल्सो आवर सप्लायर, तो रिसीवेबल एंड पेएबल आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और उसकी डबल एंट्री है कि जी क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, तो वहां पे रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, और इस वक्त जो पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कॉन्ट्रा के साथ। तो यूं कह लें कि पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो कॉन्ट्रा और सेट ऑफ है दिस विल बी ऑन डेबिट साइड। इसके बाद क्रेडिट साइड पे आ जाएं, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट्स, अगर मैंने किसी सप्लायर की पेमेंट लेट कर दी है तो सप्लायर मुझे पेनल्टी चार्ज करेगा, तो मुझे जो पेनल्टी चार्ज होनी है, तो इट मींस व्हाट कि मेरा पेएबल, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज हो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट्स, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। देन रिफंड ऑफ एडवांस पेड, जो मैंने किसी सप्लायर को एडवांस पे किया था
वो एडवांस पेड अमाउंट मुझे वापस मिल गया है। वो क्यों? कि ड्यू टू सम रीजन वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो जाता है। हमने किसी सप्लायर को एडवांस तो दिया था लेकिन बाद में हम उस सप्लायर से माल नहीं लेते, वो एडवांस पेड अमाउंट मुझे वापस मिल जाती है। तो आप सोचेंगे जब हमने एडवांस पे किया तो क्या एंट्री हुई? सप्लायर अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट एट द मोमेंट व्हेन वी पेड एडवांस टू द सप्लायर। तो वही एडवांस पेड अमाउंट जब मुझे वापस मिलेगी तो मैं अपने एंड पे सोचता हूँ कि मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है, सो बैंक अकाउंट डेबिट और दैट सप्लायर या क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो इन दिस वे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज डेबिट साइड पे आ जाती हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे, और हर एक के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक डबल एंट्री अटैच है। आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसको रिटर्न प्रैक्टिस करते हुए इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो आगे चलते हैं जी। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। वो क्या है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस ऑफ सेल्स, सेल्स रिटर्न्स आर रिकॉर्डेड इन डे बुक्स एंड इन सेल्स लेजर्स। ये कुछ रिकॉल कर रहे हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स जो हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी की थी, सेल्स, सेल रिटर्न्स, परचेज, परचेज रिटर्न्स की ट्रांजेक्शंस के साथ, कि जो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स की ट्रांजेक्शंस हैं इनको हमने रिकॉर्ड करना सीखा था इन द डे बुक्स एंड इन द सेल्स लेजर्स, और ये इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड था। तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद आज हम सीख रहे हैं कि जो डे बुक्स के टोटल्स हैं, टोटल्स फ्रॉम द डे बुक्स, दे आर रिकॉर्डेड या दे आर ट्रांसफर्ड टू कंट्रोल अकाउंट्स। के सेल्स डे बुक का जो टोटल है वो हमने सीखा कि डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया, और परचेज जो सेल्स रिटर्न्स डे बुक का टोटल है वो डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह बाकी डे बुक्स के टोटल्स भी आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो प्रीवियस डिस्कशन में हमने सीखा था कि जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन हैं, purchases and purchase returns etc, they are recorded in day books, means purchase day book, purchase returns day book and also in purchase ledgers. purchase ledgers kya the? suppliers ke individual accounts jo by name hum banate hain, har supplier ka jo hum by name account banate the, aur sales ledgers kya the jo har customer ka by name separate individual account banta tha. ab ye points यहाँ पे क्यों रिकॉल किए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं कि जो ओ लेवल्स में नहीं था। एक नेक्स्ट पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं, वो क्या आगे आए कि ये क्या कह रहे हैं? एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल ऑफ द बैलेंस सीडीज ऑफ सेल्स लेजर्स, सेल्स लेजर्स मींस कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स, जितने भी कस्टमर्स हैं, सपोज देर आर 10 कस्टमर्स, तो तमाम कस्टमर्स के बैलेंस सीडीज को एक लिस्ट में लिख लें और उनको एड अप कर लें, तो ये बन जाएगा टोटल ऑफ द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। और सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि जो हमारा डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसका बैलेंस सीडी पकड़ें, उसका बैलेंस सीडी पकड़ लें। तो डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी, और दूसरी तरफ जो सेल्स लेजर्स मतलब कस्टमर्स के लेजर्स हैं उनके बैलेंस सीडीज की लिस्ट और उसका टोटल। ये बहुत अच्छे से समझ लें, एक तरफ कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस का टोटल है, और दूसरी तरफ डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी है। इन दोनों वैल्यूज को सेम होना चाहिए। कौन सी दो वैल्यूज? ध्यान से समझें कि कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स उनके बैलेंस सीडीज की लिस्ट का टोटल, और दूसरी तरफ डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी, इन दोनों को सेम होना चाहिए। सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि जी सेम क्यों होना चाहिए? उसकी वजह यह है कि जो हमारे सेल्स लेजर्स हैं, कस्टमर्स इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, इनको हमने मेंटेन किया था साइड बाय साइड
with sales day book, sales returns day book, when we make individual entries. और थोड़ी देर पहले हमने बात भी की कि जो individual transactions हैं, sales, sales returns, etc., they are maintained in day books and side by side in the sales ledgers. और at the end of the month क्या होता है कि उन्हीं day books के जो totals हैं उनको उठा के हम ले जाते हैं control accounts में, debtors ledger control account में debit credit पे values आ जाती हैं. तो आप अगर गौर करें तो basically क्या हो रहा है, एक ही data दो जगहों पे record हो रहा होता है. Once at the first moment individual sales, sales returns, सेल्स लेजर्स में रिकॉर्ड हो गई कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में, और सेम डाटा उनके टोटल्स उठा के हम ले जाते हैं कंट्रोल अकाउंट्स में, मींस सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स की वैल्यूज चली जाएंगी डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में. सो दिस इज द रीजन कि एक ही डाटा दो जगहों पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, एक जगह पे वन बाई वन ट्रांजेक्शन करके और कंट्रोल अकाउंट में एज ए टोटल वैल्यूज आ रही होती हैं. तो हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सब के बैलेंसेस की जो हम लिस्ट बनाएंगे और उसका टोटल करेंगे, अब वो तमाम कस्टमर्स की सेल्स, सेल्स रिटर्न्स एंड अदर ट्रांजैक्शंस कंबाइन हो जाती हैं किसमें, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में. सो दैट्स व्हाई डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ही दी और इंडिविजुअल जो कस्टमर्स इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस ही डीज का टोटल लिस्ट को, लिस्ट का टोटल इन दोनों को सेम होना चाहिए. अगर सेम होना चाहिए तो उसके बाद अगर ये बैलेंसेस सेम ना हो तो हम लोग एक रिकॉन्सलेशन बनाएंगे. द नेम इज कंट्रोल अकाउंट्स रिकॉन्सलेशन, कंट्रोल अकाउंट्स रिकॉन्सलेशन. तो रिकॉन्सलेशन का नाम सुन के हमारे जहन में फौरन एक कॉन्सेप्ट आता है, बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट. सो इज दैट सेम? तो ठीक है, एक हद तक सेम है कि बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा था कि जी कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस सीडी एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस सीडी शुड बी सेम, इफ दे आर नॉट सेम तो हम बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे. तो एक आइडिया तो यहाँ पे भी वही है कि एक दफा हमने बात की कि सेल्स लेजर्स इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स उनके बैलेंस सीडीज की लिस्ट का टोटल, और डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस सीडी दे शुड बी सेम, इफ दे आर नॉट सेम वी विल प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स रिकॉन्सलेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जेन में आता है वो क्या है कि इज देयर एनी फॉर्मेट टू प्रिपेयर दिस कंट्रोल अकाउंट्स रिकॉन्सलेशन? तो आंसर है जी, आंसर इसके इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है उस तरह से जिसको हमने लर्न करना है. जैसे बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट में हम सीखते हैं देयर आर स्पेसिफिक टर्म्स, डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट डेबिट, अनक्रेडिटेड, अनडेबिटेड, उस तरह से यहाँ पे नहीं है. तो फिर ये रिकॉन्सलेशन बनेगी कैसे, इसको हमने क्या करना है कि जो हमारे सामने सिनेरियो आएगा तो हमने दोनों वैल्यूज को ले लेना है, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल होगा सेल्स लेजर्स इंडिविजुअल अकाउंट्स का टोटल, उसको हम सेपरेटली अपडेट करेंगे, उसमें करेक्शंस करेंगे प्लस माइनस के साथ, और जो डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होगा उसको हम सेपरेटली अपडेट करेंगे. उसी तरह से हम एक रिवाइज्ड डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे या अपडेटेड डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे और उसमें एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी डेबिट क्रेडिट करते हुए. एट द एंड वी विल सी कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स यानी कि सेल्स लेजर्स का लिस्ट का टोटल है वो और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी सेम हो चुका होगा अगर हम ठीक अपडेट्स अप्लाई करें, ठीक करेक्शंस अप्लाई करें. तो ये होना कैसे है, इसके लिए जाहिर है जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी. अभी हम इसका आइडिया गेट कर रहे हैं कि जी एक तो दोनों बैलेंसेस को सेम होना चाहिए, अगर वो सेम ना हो तो हम रिकॉन्सलेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हमने वो डिस्कस किया. तो आज की डिस्कशन में हमने कंट्रोल अकाउंट का एक आध क्वेश्चन करना है जस्ट सिंपल, और रिकॉन्सलेशन का जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस होना है. जिस तरह से देखें हमने कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स और डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात की है, इसी तरह से नीचे क्या लिखा हुआ है कि जी टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑफ परचेज लेजर्स बैलेंसेस, मींस सप्लायर्स के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं उनकी लिस्ट का टोटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट.
creditors ledger account ka balance CD, they should be same. Again, if they are not same, we will prepare a control account reconciliation statement. So, kaise banna hai, ispe hum baat karenge. See the last page. Here are two questions. Is waqt hum question number 3 jo list ke mutabik hai, page ke mutabik, wo hum discuss karne ja rahe hain. If you see, हमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है. दिस इज ऑन डेबिट साइड एंड दिस इज ऑन क्रेडिट साइड. फिर इसी तरह से क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे. देन हमें टोटल अमाउंट्स गिवन है. टोटल मतलब पेमेंट्स टू ट्रेड अकाउंट्स पेएबल, ये टोटल पेमेंट्स हैं. दिस विल बी ऑन द डेबिट साइड इन क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. फिर चेक्स फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स, दीज आर रिसीविंग्स फ्रॉम द कस्टमर्स. So this will be on credit side in the debtors ledger control account. Fir purchases on credit, matlab purchase day book ka total, to ye credit side pe aa jayengi in creditors ledger control account. Sales on credit means ke credit sales ka total ya sales day book ka total, so these will be on debit side in debtors ledger control account. And then bad debts written off, matlab irrecoverable debts, this will be on credit side in the debtors ledger control account. And discounts allowed, this will be on credit side in debtors ledger control account. Discount received, ye creditors ledger control account mein debit side pe aa jayenge. Returns inwards, these are sales returns, so ye debtors ledger control account mein credit side pe aa jayenge. Returns outwards, these are basically purchase returns, तो ये क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट. उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं. जैसा कि हमने फॉर्मेट में सीखा था कि जी देयर कैन बी टू ओपनिंग बैलेंसेस, टू क्लोजिंग बैलेंसेस. तो हमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का एक बैलेंस सीडी दिया हुआ है. दिस इज क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस मीन्स द क्रेडिट साइड इज हैवी एंड दिस बैलेंस सीडी विल बी ऑन डेबिट साइड. जैसा कि डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिट साइड पे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे और ये एडवांस रिसीविंग्स हैं फ्रॉम द कस्टमर्स, सो 37 विल बी ऑन द डेबिट साइड. इसी तरह से परचेज लेजर डेबिट बैलेंसेस. डेबिट बैलेंस मींस डेबिट साइड इज हैवी एंड द क्लोजिंग बैलेंस दिस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. मीन्स कि ये एडवांस पेड अमाउंट है. ये देखें ओपनिंग डेट पे एडवांस पेड अमाउंट थी £12 और क्लोजिंग डेट पे एडवांस पेड अमाउंट है 26. दिस विल बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड. ओपनिंग जब डेबिट साइड पे है तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे. हम फॉर्मेट यहाँ पे दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं. एट द एंड हमें 438 की अमाउंट है गिवन है, दैट इज ट्रांसफर टू परचेज लेजर. मीन्स ये रिसीवेबल और पेएबल आपस में कैंसिल हुआ एंड दिस इज कॉन्ट्रा अमाउंट. ये डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी. ये अमाउंट है जिसने दोनों लेजर अकाउंट्स में आना है. तो इस तरह से आप दोनों कंट्रोल अकाउंट्स बनाएंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट विद दिस लिस्ट ऑफ वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. दोनों कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट्स को सामने रखते हुए, याद करते हुए उसमें वैल्यूज पुट करें और कंट्रोल अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करें. कल की डिस्कशन में हम सीखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन और रिकॉन्सिलेशन को अटेम्प्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए याद रखें कि जो हमने अभी तक डे बुक्स, इंडिविजुअल अकाउंट्स मींस लेजर्स और ये कंट्रोल अकाउंट्स की डिस्कशंस की हैं, इनको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. बिल्कुल क्लियर होगा तो नेक्स्ट रिकॉन्सिलेशन समझ आनी है. तो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर चुके हों ताकि आपको रिकॉन्सिलेशन की समझ आ रही हो. सो गुड लक. अल्लाह हाफिज़. बेमान.